स्वागत है विद्यार्थियों आप सभी का प्रकाश क्लासेस में। और आज बाल विकास का चैप्टर लेकर आए हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा बाल विकास में आता है अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि एवं विकास यानी कि बाल विकास की शुरुआत यहीं से होती है। इससे पहले हम आपको बता चुके थे कि बाल विकास के जनक, बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखेंगे इसे, बाल विकास के जनक। बाल विकास के जनक कौन है आपको बताया था, स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल किशोरावस्था में आपने खूब सुना होगा इन्हें, स्टेनले हॉल को परिभाषा बहुत अच्छी दी थी कि संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है। तो स्टेनले हॉल बाल विकास के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। अब बाल विकास का हमारा पहला चैप्टर आता है अभिवृद्धि एवं विकास, ठीक है। क्या होता है, हम बात करें अभिवृद्धि या वृद्धि की, ठीक है। तो जो भी हमारी मात्रात्मक वृद्धि शरीर में होती है, लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक है, हमारे हड्डियों का बढ़ना है, ये सब हमारा क्या है, वृद्धि के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम विकास की बात करें, विकास की बात करते हैं तो हमारा जो हमारी आंतों में परिवर्तन होता है, कुछ ऐसे परिवर्तन होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, तो ये सब हमारा विकास के अंतर्गत आता है। यानी कि जो मात्रात्मक वृद्धि होती है वो हमारी मात्रात्मक जो कहने का मतलब है, हम माप सकते हैं मात्रा के रूप में, वो हमारी वृद्धि है। जो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होती है वह हमारा विकास है। कुछ अंतर देखो हम इसमें बता दे रहे हैं आपको वृद्धि और विकास में, फिर आगे बढ़ते हैं वृद्धि और विकास में, ये जानना जरूरी है, नहीं जानेंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या होता है, वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। अभी हमने बताया था कि शरीर में कोई भी भौतिक परिवर्तन होते हैं जिन्हें हम मात्रात्मक रूप में माप सकते हैं, वो हमारा वृद्धि होता है। जैसे हमने बताया था लंबाई है, चौड़ाई है शरीर की, ठीक है, तो वो हमारा अभिवृद्धि होती है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये केवल क्या होता है, अभी हमने बताया था मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, और ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। ये तो बात समझ ही गए होंगे मात्रात्मक और गुणात्मक क्या होता है। हमने मापन और मूल्यांकन में खूब स्पष्ट तरीके से बताया था कि मापन और मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। वृद्धि, हाँ, दूसरी रूप में हम कह लें वृद्धि हमें दिखाई देती है। वृद्धि क्या होती है, मूर्त होती है, मूर्त होती है, हमें दिखाई देती है, प्रत्यक्ष होती है। हम प्रत्यक्ष कह लें, मूर्त कह लें, या दिखाई देने वाली कह लें, ये वृद्धि हमें दिखाई देती है। हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारी लंबाई बढ़ रही है, तो हमें दिखाई दे रही है कि वृद्धि ये है, ठीक है ना। और विकास जो है अमूर्त होता है, अमूर्त होता है, यानी कि ये अप्रत्यक्ष होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। दूसरा एक ये भी है कि हम इसे बिल्कुल एक्यूरेट माप सकते हैं, वृद्धि को हम एक्यूरेट माप सकते हैं, इसकी बिल्कुल सही सही ठीक ठीक माप हम कर सकते हैं, लेकिन विकास की पूर्णतया ठीक माप हम नहीं कर सकते हैं। एक आकलन, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट माप इसकी नहीं की जा सकती है, तो हमारा विकास है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये दिशा, हाँ दिशा, इसकी अगर हम दिशा की बात करें तो अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, यहीं पर है, यानी कि वृद्धि अनिश्चित दिशा में, अनिश्चित दिशा में होती है, अनिश्चित दिशा में, और ये निश्चित दिशा में होता है। विकास क्या होता है, निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में, कैसे भाई, निश्चित दिशा में, ठीक है। यानी कि ये हमारी जो वृद्धि की बात करते हैं ये निश्चित अनिश्चित दिशा में होती है, ठीक है ना। जैसे भाई पैरों की भी वृद्धि हो रही है, हाथों की भी हो रही है, यानी कि कई दिशाओं में, जैसे ये चीज़ अगर बढ़नी है तो इधर को भी बढ़ेगी, इधर को भी बढ़ेगी, ठीक है, और मोटाई भी इसकी बढ़ेगी, तो एक दिशा कोई निश्चित नहीं होती, अनिश्चित दिशा होती। जब विकास का एक निश्चित क्रम होता है, क्यों भाई, जैसे कि विकास अगर अवस्थाओं में होता है तो भाई पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, तो एक निश्चित क्रम होता है इसका, ठीक है। तो ये वृद्धि है और विकास है। एक अगर क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र कैसा होता है, संकुचित है, वृद्धि का क्षेत्र संकुचित होता है और विकास का क्षेत्र जो है विस्तृत होता है, ठीक है, विस्तृत होता है इसका क्षेत्र, ठीक है। और अगर बात करें तो ये निश्चित समय के बाद रुक जाती है, निश्चित समय के बाद, निश्चित समय के बाद रुक जाती है, रुक जाती है, ठीक है, निश्चित समय के बाद रुक जाती है, और ये जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता है,
विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता है। विकास के बारे में कहा जाता है कहाँ से कहाँ तक, हाँ गर्भ से कब्र तक, याद रखेंगे इसे, गर्भ से कब्र तक। कभी भी हम जन्म से मृत्यु तक याद नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। जन्म से मृत्यु तक विकास नहीं, कहाँ से, गर्भ से कब्र तक, ठीक है। या हम कह लें गर्भ से मृत्यु तक विकास हमारा होता है, जन्म से मृत्यु तक नहीं, गर्भ से मृत्यु तक। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम जन्म से मृत्यु तक लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो गर्भ से कब्र तक या गर्भ से मृत्यु तक, ठीक है। तो ये हमारी थी पहचान, जो कि यंत्र थे वृद्धि और विकास में, ठीक है। तो ये हमारे, इसके बाद आता है हमारा वृद्धि और विकास के सिद्धांत, ठीक है। या पहले हम प्रकार ले लें, विकास के प्रकार, ठीक है। एक नाम सुना होगा, लेडी हरलॉक, ठीक है। हरलॉक का नाम आपने सुना होगा। तो विकास के प्रकार इन्होंने चार बताए हैं मुख्य रूप से। पहला है शारीरिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास। दूसरा हमारा आता है संज्ञानात्मक विकास। और तीसरा हमारा है सामाजिक विकास। अब ये क्या होते हैं हम जानते हैं, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास, ठीक है। अब स्क्रीन शॉट लो, आगे बताते हैं। फिर देखिए इसमें क्या है, पहले हम शारीरिक विकास की बात करते हैं, ठीक है। शारीरिक विकास, इसमें क्या चीज़ होती है मुख्य रूप से, एक हमारी दीर्घ जो मांसपेशियाँ होती हैं उनका भी विकास होता है, और जो छोटी छोटी मांसपेशियाँ हैं उनका भी विकास होता है। यानी कि हमारा शारीरिक विकास पूरा होता है दो प्रकार से, एक दीर्घ और एक लघु, ठीक है। अब जैसे इसमें हम दौड़ते हैं, बहुत तेज़ रेस लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी बड़ी बड़ी जो मांसपेशियाँ हैं उनका विकास होता है। और जैसे लिखना है, पढ़ना है, जैसे दौड़ लगाने पर हमारा क्या है, बड़ी बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है। अब मान लो लिखना है हमारा, हम लिखते हैं, लिखना, ठीक है, कढ़ाई करना है, बुनाई करना है, तो इनसे हमारा क्या होता है, छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी है क्रिकेट में, वो अगर गेंद फेंकता है तो दौड़ के आता है और हाथ की उंगलियों से गेंद को घुमाता भी है, तो इसका मतलब है कि उसके जो दौड़ रहा है उससे हमारा बड़ी बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, ठीक है, और इससे छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में कैसा होता है, एक हमारा भाषा विकास होता है और दूसरा होता है हमारा मानसिक विकास। ये दोनों हमारे संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। संज्ञानात्मक विकास में भाषा विकास, बच्चे का पढ़ना लिखना, भाषा यानी कि अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए उसे भाषा की ज़रूरत होती है, चाहे वो पढ़कर करे या लिखकर करे, ठीक है। तो ये संज्ञानात्मक विकास में हमारा भाषा विकास और मानसिक विकास, उसके मस्तिष्क का विकास, ठीक है। तीसरा है हमारा सामाजिक विकास, ठीक है। इसमें हमारे दो विकास आ जाते हैं सामाजिक विकास में, कौन कौन से, एक हमारा नैतिक विकास और दूसरा हमारा आ जाता है भावात्मक विकास। ये दो प्रकार के विकास हैं सामाजिक विकास में। नैतिक विकास यानी कि भैया सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, नैतिक विकास है हमारा, जीवों पर दया करो। भावात्मक विकास, ठीक है, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, रोना है, क्रोध करना है, ठीक है, तो ये सब हमारा सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ये हमारे थे विकास के प्रकार। इसके बाद हम आते हैं विकास के सिद्धांत, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आते हैं विकास के सिद्धांत पर, ठीक है। विकास के सिद्धांत, कौन कौन से विकास के सिद्धांत हैं, ठीक है, और इनकी परिभाषा क्या है, इन्हें जानते किस प्रकार से हैं, हम इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला है हमारा विकास के सिद्धांत में व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या आएगा, क्योंकि दुनिया के कोई भी दो इंसान
एक जैसे नहीं हो सकते हैं, एक समान नहीं हो सकते हैं। चाहे वह जुड़वां बच्चे ही क्यों ना हो, लेकिन उनमें कोई ना कोई व्यक्तिगत विभिन्नता जरूर होगी। ठीक है, तो वैसे ही विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता रहती है भाई। किसी बच्चे में तीव्र गति से विकास होता है, किसी बच्चे में धीमी गति से विकास होता है। किसी भी प्रकार का विकास ले लें, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, लेकिन किसी में बहुत तीव्र गति से विकास होता है, लेकिन किसी में बहुत धीमी गति से विकास होता है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि व्यक्ति का जैसा पालन पोषण, जैसी उसकी स्थितियां, जैसे उसके वातावरण में रहता है, उसका विकास उसी प्रकार से होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। दूसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब क्या है ये हमारा अलग अलग सिद्धांत है, यानी कि एक बालक का विकास दूसरे बालक से भिन्न होता है, ये हमारा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है कि अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास तेजी से होता है, तो ये उसका मानसिक विकास भी तेजी से होगा, उसका सामाजिक विकास भी तेजी से होगा। तो ये क्या है, संबंध है। एक व्यक्ति का अगर शारीरिक विकास तेजी से हो रहा है, तो उसका मानसिक विकास भी तेजी से होगा। ठीक है, यानी कि एक प्रकार का विकास दूसरे प्रकार के विकास से संबंध रखता है, ये परस्पर संबंध का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, फिर है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तीसरा हमारा सिद्धांत आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, हमारा समान प्रतिमान के सिद्धांत में क्या होता है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। क्या होता है, निश्चित क्रम होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा पहले हमारी क्या आती है, शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है। एक निश्चित क्रम होता है, यानी समान प्रतिमान, पहले किशोरावस्था नहीं आ सकती, पहले क्या आएगी, शैशवावस्था ही आएगी। हम कहें बच्चा पहले रेंगना शुरू करता है और फिर धीमे धीमे घुटनों के बल चलना शुरू करता है, उसके बाद में चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, तो ये एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित क्रम होता है, जिसे हम समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आगे सतत एवं निरंतर विकास का सिद्धांत। सतत एवं निरंतर, अभी हमने बताया था विकास कहाँ से कहाँ तक होता है, हम याद रखेंगे, यानी कि गर्भ से और कब्र तक, गर्भ से कब्र तक, हमेशा याद रखें, गर्भ से मृत्यु तक हमारा जो विकास है निरंतर चलता रहता है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया। जैसे अभी हमने वृद्धि और विकास में अंतर बताया, तो वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, मतलब वृद्धि कहाँ तक, किशोरावस्था तक होती है, किशोरावस्था के बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास हमारा कंटिन्यू लगातार चलता रहता है। सतत एवं निरंतर विकास का सिद्धांत इसीलिए इसे कहते हैं। फिर है सिरोन्मुखी या मस्तकादोमुखी सिद्धांत। ठीक है, ये हमारा क्या सिद्धांत होता है, कोई बालक होता है, ये हमारा कोई बालक है, तो इसका सिद्धांत कैसे होता है, विकास कैसे होता है, यानी कि सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है, पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद में शरीर सिर के पास वाले अंगों का और पैरों की ओर विकास आता है, यानी कि सिर से पैर की ओर जो विकास होता है, उसे हम सिरोन्मुखी विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, फिर है समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत। ठीक है, कहीं कहीं आपको इसी में पढ़ने को मिल जाएगा। और वैसे समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, पहले आंतरिक अंगों का हमारा विकास होता है, बाद में बाहरी अंगों का विकास होता है, यानी कि अंदर से बाहर की ओर या केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होता है, उसे हम कहते हैं समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद आता है बर्तुला विकास का सिद्धांत। अभी जब हम वृद्धि और विकास बता रहे थे, तो वृद्धि हमारी क्या होती है, एक सीधी रेखा में होती है ऐसे। ठीक है, वृद्धि एक सीधी रेखा में होती है, लेकिन विकास बर्तुलाकार होता है, बर्तुलाकार, ये स्पाइरल, ठीक है ना, ऐसे करके हम बना देते हैं इसे। ठीक है, ये हमारा क्या है, बर्तुलाकार है। बर्तुलाकार विकास का सिद्धांत क्या है, यानी विकास होता है, फिर स्थायित्व प्राप्त करता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर स्थायित्व प्राप्त करता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर स्थायित्व प्राप्त करता है। तो इस प्रकार के विकास को हम कहते हैं बर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। ये हमारा विकास है, ये विकास है, और ये क्या है, वृद्धि है। ठीक है, दोनों में हमने डिफरेंस बताया था। तो वृद्धि एक सीधी रेखा में होती है, जबकि ये स्पाइरल बर्तुलाकार होता है। ठीक है, अब है असमान गति का सिद्धांत।
ठीक है। अभी हमने कहीं पढ़ा था समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है। अब क्या है, असमान गति का सिद्धांत। असमान गति का सिद्धांत कैसे है, इससे भिन्न कैसे है? ये समान गति का सिद्धांत है, एक निश्चित क्रम हमने बताया था, एक निश्चित क्रम बताया था। बच्चा रेंगना शुरू करता है, फिर घुटनों के बल चलना शुरू करता है, फिर आगे दौड़ना शुरू करता है। असमान गति का सिद्धांत क्या है कि इसमें क्या होता है, बच्चे के सिर का विकास पहले होता है, सिर का विकास पहले हो जाता है और बाद में हमारे शरीर के और अंगों का विकास होता है। ये माना जाता है शैशवावस्था में बच्चे के मस्तिष्क का अधिकतम विकास हो जाता है, ठीक है। बाकी हमारा जो शारीरिक विकास है वह लगातार चलता रहता है। तो पहले मस्तिष्क का विकास होता है, बाद में और अंगों का विकास होता है। तो इसका मतलब है विकास में असमानता होती है, या असमान गति का जो सिद्धांत है वो यही है कि पहले मानसिक विकास हो जाता है, सिर का विकास हो जाता है, बाकी विकास जो है बाद में होता है, ये असमानता है इसमें। तो इसलिए इसे कहते हैं असमान गति का सिद्धांत, विकास का असमान गति का सिद्धांत। तो ये हमारे थे विकास के सिद्धांत, ये 8 सिद्धांत हैं। पहला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, दूसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, तीसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, चौथा है सतत एवं निरंतर विकास का सिद्धांत, फिर श्रोणमुखी यानी सिर से पैरों की ओर, इसके बाद समीपस्थ दूरस्थ यानी कि केंद्र से बाहर की ओर, और फिर वर्तुलाकार, ये हमारा स्पाइरल वर्तुलाकार है, और इसके बाद में असमान गति यानी कि सिर का विकास पहले होता है, बाकी चीज़ों अंगों का विकास बाद में होता है। तो ये हमारा था अभिवृद्धि एवं विकास, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।